नमस्कार, जय श्री कृष्ण। मैं जया गुप्ता। इस वीडियो में मैं भैरव बाबा की कथा लेकर आई हूँ। अगर माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को भैरव अष्टमी कहा जाता है। शिव पुराण के अनुसार अगर माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन ही शिव जी के अंश काल भैरव का प्रकाट्य दिवस है, अर्थात इस दिन काल भैरव का जन्म हुआ था। काल भैरव को भगवान शिव का ही एक रूप कहा जाता है। काल भैरव जयंती के दिन भगवान शिव ने काल भैरव रूप में अवतार लिया था। कृष्णाष्टमी अर्थात कृष्ण पक्ष की अष्टमी को दोपहर के समय भगवान शंकर के अंश से भैरव रूप की उत्पत्ति हुई थी। भगवान भैरव से काल भी भयभीत रहता है, इसलिए उन्हें काल भैरव भी कहते हैं। और भैरव अष्टमी हमें काल का स्मरण कराती है। भैरव अष्टमी के दिन व्रत उपवास पूजा पाठ का विशेष महत्व है। ऐसा माना जाता है कि काल भैरव की पूजा से घर में नकारात्मक ऊर्जा, भूत प्रेत आदि का भय नहीं रहता है, अर्थात घर में शुद्धता और सकारात्मकता को लाने के लिए भैरव अष्टमी के दिन भैरव की पूजा और उपवास करना चाहिए। आइए देखें भैरव बाबा की प्रकाट्य कथा। पुराणों में अर्थात यानी शिव पुराण में काल भैरव के जन्म को लेकर एक बहुत ही रोचक कथा बताई हुई। यानी शिव पुराण के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी, जो त्रिदेव की जो तिकड़ी है ब्रह्मा विष्णु महेश, उनके दो देवता ब्रह्मा जी और विष्णु जी में इस बात पे बहस छिड़ गई कि कौन सर्वश्रेष्ठ है। ब्रह्मा जी बोले कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ और विष्णु जी बोले कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ। दोनों में इस बात को लेकर खूब विवाद होने लगा और वो विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों युद्ध करने लग गए कि नहीं मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, ब्रह्मा बोले, और विष्णु बोले नहीं मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ। अब सारे देवता घबरा गए। उन्होंने सोचा यदि ये दोनों ही ब्रह्मा विष्णु ही ऐसे लड़ेंगे तो हम क्या करेंगे। तो वो दोनों सारे देवता घबरा गए। वो वेदों के पास गए। वेद ब्रह्मा जी के ही हाथ में रहते हैं, पर उन्होंने वेदों से पूछा कि भाई कौन को सर्वश्रेष्ठ माना गया है, वेदों में किसको सर्वश्रेष्ठ माना गया। वो पूछने लगे तो वेदों में से उत्तर आया। वेदों ने उत्तर दिया कि जिनके भीतर चराचर जगत है, भूत भविष्य और वर्तमान जिनके अंदर समाया हुआ है, वही सबसे सर्वश्रेष्ठ है। तो ऐसी विशेषता तो भगवान शिव में है जिनमें चर और अचर जगत भी समाया हुआ है और भूत भविष्य और वर्तमान भी समाया हुआ है। अब वेदों के मुख से ये बात सुनी तो ब्रह्मा जी को खूब गुस्सा आया, पर अब वो वेदों को तो कुछ नहीं कह सकते क्योंकि वेद तो उनके ही है, तो उनको वो क्या कहे। तो वो लगे तो शिव के बारे में बड़ा बुरा कहने लगे कि शिव तो ओगड़े और शिव तो ऐसा और शिव वैसा, इस तरह से करने लगे। तो उनको सुन के वेद भी बहुत दुखी हुए कि ब्रह्मा जी ये क्या कर रहेंगे। और ये सुन के भगवान शिव का ही एक अवतार है रुद्र अवतार, तो वो एक दिव्य ज्योति के रूप में प्रकट हुए। तो उनको देखते ही ब्रह्मा जी कहने लगे, हे रुद्र, तुम भी मेरे ही सिर से पैदा हुए थे और तुम बहुत रो रहे थे, रुदन कर रहे थे, इसलिए मैंने तुम्हारा नाम रुद्र रखा था। तो अब तुम मेरी सेवा में आओ और बोलो कि मैं श्रेष्ठ हूं। तो यह सब सुनके ब्रह्मा जी की इस तरह की बातें सुनकर और इस तरह से देखकर शिव जी को क्रोध आ गया खूब, और उन्होंने अपने एक और अंश को उत्पन्न करा और उसको बहुत शक्तिशाली बनाया, उसको सब शक्तियों से संपन्न करके, और उससे कहा कि जाओ तुम ब्रह्मा पे शासन करो। अब भैरव भी वहां पे पहुंचे जहां ब्रह्मा जी इस तरह की बातें कर रहे थे। तो ब्रह्मा जी के तो आपने देखा ही है कि तीन मुख तो अभी भी दिखते हैं, उस समय पांच मुख थे। तो जिस मुख से ब्रह्मा जी यानी शिव जी के लिए अनर्गलप वार्तालाप कर रहे थे और खराब अपमानजनक शब्द कह रहे थे, तो भैरव इतने शक्तिशाली थे कि उनमें अपनी बस छोटी उंगली, जो चिट्टी उंगली होती है, उसका नाखून से ही ब्रह्मा जी का सिर काट दिया उन्होंने। अब जैसे ही ब्रह्मा जी का सिर काटा भैरव ने और वो सिर उनके हाथ में आया, वैसे शिव जी प्रकट हो गए और उन्होंने कहा कि भैरव तुमने ये क्या कर दिया, तुमने तो ब्रह्म हत्या कर दी, तुमको तो ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। अब तुमको इसके दुख भोगना पड़ेंगे जैसे आम व्यक्तियों को इसके दुख भोगना पड़ते वैसे। तो भैरव एकदम घबरा गए, उन्होंने देखा अरे ये क्या हो गया। तो वो प्रार्थना करने लगे शिव जी से कि मैं इस पाप से मुक्त कैसे होऊंगा। तो शिव जी ने कहा कि इस पाप से मुक्ति के लिए तुम्हें त्रैलोक्य का भ्रमण करना पड़ेगा, जिस स्थान पे तुम्हारे हाथ से ये शीश खुद ब खुद छूट जाएगा, स्वतः ही छूट जाएगा, वहीं पे तुम इस पाप से मुक्त होगे।
और ये के भगवान शिव ने एक बहुत ही तेज तेजस्वी विकराल कन्या को प्रकट किया। वो कन्या यानी विभत्स रूप से भरी हुई थी, एक तरीके से आप ही कह सकते हो। वो लंबी लाल जीप को लपलपा रही थी और उससे रक्त पान कर रही थी। उसके एक हाथ में तो रक्त से भरा हुआ खप्पर और दूसरे हाथ में एक बहुत ही तेज तलवार। और वो कन्या एक्चुअली में ब्रह्महत्याई थी, जिसे शिव ने भैरव के पीछे छोड़ दिया। अब भैरव जहां भी जाए त्रिलोकी की परिक्रमा करने के लिए, तो वो उनको कहीं भी रुकने नहीं दे रही थी। उनको लगातार चलायमान कर रखा था उन्होंने, आगे बढ़ो वाली स्थिति चलाए रखी थी। भगवान भैरव तो शिव की आज्ञा के अनुसार पापों की मुक्ति के लिए निकल पड़े परिक्रमा पे, पीछे पीछे वो कन्या भी चल पड़ी। अब इस तरह से चलते चलते बहुत समय बीत गया, अनंत काल बीत गए। अब ब्रह्महत्या नामक वो कन्या उनका पीछा करती रही। अब एक दिन चलते चलते भैरव काशी नगरी में पहुंचे। काशी नगरी भगवान शिव की प्रिय नगरी है और बहुत ही पवित्र नगरी है। वहां जाके व्यक्ति अपने पापों को धोते हैं। वहां पे शिव के आदेश के अनुसार उस समय ब्रह्म हत्या का प्रवेश वर्जित था, यानी ब्रह्म हत्या वहां पर प्रवेश नहीं कर सकती थी। तो काशी में जैसे ही वो घुसे, ब्रह्म हत्या वही रहेगी। तो इस तरह से भैरव का ब्रह्म हत्या से पीछा छूट गया। अब काशी के अंदर गंगा नदी के तट पे भैरव जैसे ही एक दिन निकल रहे थे, तो वहीं उनके हाथ से ब्रह्मा जी का वो शीश भी खुद ब खुद छूट गया। तो उसी समय वो ब्रह्म हत्या के पाप से भी मुक्त हो गए, क्योंकि शिव जी ने यही कहा था कि त्रिलोकी की परिक्रमा के दौरान जहां भी तुम्हारे हाथ से ये सिर खुद ब खुद छूट जाएगा, वहीं तुम ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त हो जाओगे। तो वहीं पे भैरव ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त हुए और उस स्थान को आज भी कपाल मोचन के नाम से जाना जाता है। जिस स्थान पे वो शीश गिरा था, कपाल गिरा था, उसलिए उसको कपाल मोचन के नाम से जाना जाता है। अब वो जगह भैरव को भी बहुत पसंद है, क्यों? क्योंकि उनको ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिली थी उस स्थान पे, तो उन्होंने उसको ही अपना निवास बना लिया, वो वही रहने लग गए। तो कुछ दिनों बाद भगवान शिव ने देखा कि भैरव तो काशी में रहते हैं, तो उन्होंने उसको अपनी प्रिय नगरी का कोतवाल बना दिया भैरव को। और तब से ये माना जाता है कि यदि आप काशी जाते हैं, भगवान विश्वनाथ के दर्शन करते हैं, परंतु काशी के कोतवाल यानी भैरव बाबा के दर्शन नहीं करते, तो आपको विश्वनाथ भगवान के दर्शन करने का पूरा पुण्य नहीं मिलता है। आपके दर्शन काशी के कोतवाल के दर्शन के बिना अधूरे माने जाते हैं। तब से भैरव बाबा की पूजा की जाती है अष्टमी के दिन, और शिव जी के दर्शन के साथ भैरव बाबा के दर्शन का भी विधान है। आपको मेरी ये कथा कैसी लगी? अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। अभी तक यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए। और हिंदू धर्म, संस्कृति, तीज त्योहार, रीति रिवाज इत्यादि को जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए। जय भैरव बाबा, जय श्री कृष्ण।